हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में, वीडियो 14 में, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया, सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। और हमने उसका थ्योरी पार्ट देखा है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आप एक एक करके स्लोली देख लो। ये हर टॉपिक के ऊपर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, ओके। उसमें जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, कंडीशन, ओके, जो हमने डिटरमिनेंट लिखा था, उसके ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ओके। टेक्स्ट बुक के नंबर है ये। इसमें क्या लिखा है, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है। ये प्रूव करो, ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो लाइंस है ऐसे बता रहा है, ये प्रूव करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन मैंने लिखा था अभी प्रीवियस वीडियो में, एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये आपको जीरो प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले मैं कुछ फॉर्मेलिटी कर देता हूं। तो पहले मैंने ये गिवन इक्वेशन कॉपी कर दिया, 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 equal to 0। इसको कंपेयर करेंगे ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, तो आपको a मिलेगा 2, a is 2, देन आपको 2h मिलेगा minus 1, तो आपको h मिल गया minus 1 by 2, b is minus 3, करेक्ट। देन 2g मतलब क्या, x का पार्टनर 2g या x का पार्टनर है माइनस 6, तो आपको g मिलेगा माइनस 3, करेक्ट। 2f मतलब y का कोएफिशिएंट, y का पार्टनर है 19, राइट। सो आपको f मिल गया 19 बाय 2, c कांस्टेंट इज माइनस 20, तो ये माइनस 20 है। तो इस तरह से आपको a मिल गया, b c, a b c मिल गया, f g h। देखो ए बी सी ऊपर है और एफ जी एच नीचे है, करेक्ट। तो अभी आपको क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है वो कंडीशन। कंडीशन का लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करो, क्या कंडीशन है वो, द कंडीशन इज कंसिडर ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर। आपको देखना है ये जीरो आता है कि नहीं, तो मैं इसका सब वैल्यू डाल रहा हूँ। ए बी सी, ए 2, व्हाट इज बी, माइनस 3, देन सी, सी इज माइनस 20, करेक्ट, प्लस 2, एफ जी एच, एफ जी एच कहाँ है, देखो ये एफ जी एच ऐसे आना है रिवर्स, एफ इज 19 बाई 2, देन जी इज माइनस 3 and h is minus half, okay, ये हो गया 2fgh, minus af square minus a, a is 2, f is 19 by 2 square, correct, af square minus bg square, b is minus 3, g square, minus ch square, what is c, c is minus 20, and h square, h is minus half, okay, ये copy कर लेना। तो ये calculation करते हैं बस, 20 into 3 60 into 2 120 positive, ये 2 cancel हो जाएगा, तो 19 into 3 is 57, a minus minus plus, so plus 57 by 2, correct, then minus 2 into ये 19 square कितना हो जाएगा, 361 by 2 square 4, ये plus 3 into 9, ये plus 3 into ये 9, plus 20 into ये 1 by 4, correct, so ये 120 plus 57 by 2 minus, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 361 by 2 प्लस 27 प्लस 5, ओके, तो ये 120 प्लस 27 प्लस 5
इस तीनों को ऐड किया मैंने, और ये देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 57 माइनस 361। ओके तो ये कैलकुलेशन करते हैं, 4152 हो रहा है ये, राइट। और ये माइनस 304/2, अगर आप ठीक से कैलकुलेट करोगे तो 152 माइनस 152 हो रहा है, विच इज ज़ीरो। तो ज़ीरो आया है मतलब ये अच्छी बात है, ये कंडीशन इसका वैल्यू ज़ीरो आया। क्या ज़ीरो आया? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? ज़ीरो आया। तो ज़ीरो आया इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन वन है इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। ओके हैंस प्रूव्ड। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके अंडरस्टूड। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं।